कर लिया जाता है, यानी कि एक स्त्री बोलती है तो उनके पीछे की है होर भी स्त्रियां बोलदियां हन। खिते मुताबिक भाषा रूप में भी बदल जाता है, देई देई तो बेटी ते बोलड़ी पालड़ी की थां बहुत आदि। बनतर पक्षों के गीत सरल किस्म के होंगे हैं, लै इन्हों गीतों का काविक लक्षण है, ये बजवें काव्य रूप की श्रेणी में आते हैं। कुड़ी की विदाई समय करुणामय वेदनामय दृश्य होने करके इन्हों गीतों में करुणा रस की झलक भी वेखी जा सकती है, यानी कि जो तो कुड़ी की विदाई का समा आता है जान का समा जो डोली तोरी जाती है तो उस की है करुणामय रस, यानी कि करुणा जो कह देंगे ना कि दुख भरी कड़ी का भी दृश्य का वर्णन वेदना का वर्णन दिखाई देता है। ती के पेके घरों में चढ़न मौके परिवार के साग संबंधी रोंदते हैं, यानी जिस तरह उसको तोरिया जाता उस टाइम के की है सारे ही मौके परिवार के साग संबंधी विछड़ते हुए दिखाई देते हैं। देई देई वे बाबला जिथे सस भली प्रधान सोहरा सरदार होवे डा पीड़ा बहंदी सामने वे मथे कदे ना पांदी वट बाबल तेरा पुन होवे। जिहड़ा देई देई वे बाबला ये जो गीत है सुहाग साहित्य संबंधी पुस्तक में दर्ज पंजाबी विरसा कक्षा नौवीं जिहड़ी जमात है उसकी नौवीं विचों लिया गया है। देई देई वे बाबला उस करे इस विच की है जो कुड़ी है अपने पिता नूं कहिंदी कि बाबला मेरे वास्ते इस तरह का घर लभी जिथे कि सस है जिहड़ी भली होवे ते जिहड़ा सोहरा उस घर का सरदार मुखिया होवे ते जिहड़ी पीड़ा डाह के बहिंदी होवे ते ओह की मत्थे ते कदे भी वट ना पांदी होवे, यानी कदे भी ओह उस नूं गुस्से ना होवे कि बाबल तेरा इह सारिआं नालों वड्डा दान होवेगा। पुन होवे तेरा दान तेरा होवेगा वड्डा जस, वड्डा जस यानी कि वड्डा जिस तरह कह दिंदे ना कि वड़ा वड़ा जस यानी कि वड्याई या सिफत करनी कि पुन होवेगा तेरा दान होवेगा बाबला तेरा वड़ा जस भी होएगा अगर तेरी इस तरह वड़ी वड़ियाई होएगी बाबला तेरा पुन होएगा जे तू मैनू ऐसे पलेस कर दे विच भेजेगा। जिथे सस दे बालड़े पुत इक मंगिए इक व्याईए वे मैं शादियां वेखा नित बाबल तेरा पुन होवे तेरा दान होवे तेरा होएगा वड़ा जस। फिर इस दे विच जो एक बेटी है अपने बाबल नूं की कहिंदी है कि मैनूं उत्थे घर व्याई जिथे की है मेरी सस दे बाले पुत होण ते इक नूं असीं मंगीए ते इक नूं असीं व्याह दीए कि मैं नित ही उत्थे व्याह वेखां शादियां वेखां ते उत्थे बाबल तेरा बहुत वड्डा पुन होवेगा तेरा बहुत ही जस होवेगा ते तेरी बहुत ही वड्याई ते सिफत होवेगी। देई देई वे बाबला उस करे जिथे बूरियां चोटियां सठ इक रिड़का इक जमाई सावे मेरा चाटियां दे विच बाबल तेरा पुन होवे। फिर उस बाबल नूं ओह की है अपनी जो धी ओह की कहिंदी है कि उत्थे मैनूं व्याई जिथे कि बूरियां चोटियां की है सठ होण जिहड़े मैं कि एक नूं रिड़क लिया करां ते एक नूं जमाई साईं ते मेरी चाटियां दे विच ही सदा हथ रवे ते मैं दुध विच ही पुली पुनी रवां ते तेरा बहुत वड्डा दान होवेगा जे मैनूं बाबल इस तरह दा वर लभ के देंगा घर लभ के देंगा ते तेरी इत्थे की है बहुत ही सिफत ते वड्याई होएगी बाबल तेरा इह बहुत वड्डा पुन होएगा। देई देई वे बाबला उस करे जिथे दर्जी सी वे पट एक पावा एक टंगने वे मेरा संदूकां दे विच हथ बाबल तेरा पुन होवे तेरा दान होवे। पट यानी कि रेशम। फिर बाबल नूं अपने नूं की कहिंदी है ती कि जिथे दर्जी सीवे यानी कि उत्थे कि मैनूं व्याई जिथे की है एक तो एक मैनूं कपड़े सीन वाला मिल जाए दर्जी जिहड़ा कि मैं एक लावां एक पावां यानी रेशम के कपड़े जिहड़े पावां ते मेरे संदूकां दे विच ही सदा हथ रवे ते तेरा बहुत ही वड्डा पुन होवेगा तेरी सिफत होएगी जे तू मैनूं इसदा घर लेगा। देई देई वे बाबला उस करे जिथे घर कड़े सुनियार एक पावां दूजा डब्बड़े वे मेरा डब्बिया दे विच हथ बाबल तेरा पुन होवे तेरा दान तेरा होवेगा वड्डा जस बाबल तेरा पुन होवे। डब्बड़े यानी कि डब्बे नूं दस्या गया है। फिर उसने की है जो उसकी बेटी है अपने बाबल नूं कहिंदी है कि मैनूं उत्थे घर व्याई जिथे कि एक सुनियार भी बैठा रवे वह सुनियार की है सदा ही क्या सोने के गहने कड़ता रवे बढ़ाता रवे तो मैं एक डब्बी च पा लिया करा तो एक चो कढ लिया करा तो मेरे डब्बिया दे विच भी सदा हथ रवे बाबल तेरा बहुत वड्डा पुन दान होवेगा जे तू मैनूं एडे वड्डे घरे परिवार विच वसाएगा बाबल तेरा यह पुन बहुत वड्डा मन्निया जाएगा। अगला देखो सावन काज ना रचाई मैं तेनू आख्या मेरे बाबला वे सुन तरमिया वे सावन काज ना रचाई वरस दे जी कोई मेघले जी मारी मेघले भिज जाते शाम जी दे कपड़े। मेघले किनू कहा गया है बदलों नू भिज जाते शाम जी दे कपड़े हराम जी कोई झूलियो वे दखनी वाह वाह यानी कि हवा वे सुन तरमिया सुख जाते शाम जी दे कपड़े हराम जी। मैं तेनू आख्या है बाबल नू फिर आखदी है उसकी धी कि सुन मेरे तरमी बाबला जो सावन का महीना जो देसी महीना आप कह दें कि देसी महीना जो सावन का है जो असूलों से चलन वाला उसका पिता है वह अपने प्यो नूं कहिंदी है बेटी कि मैनूं सावन दे विच जदों मीह वरसदी है उस मेघले दे विच की है व्याई ना भिज जाते शाम जी के कपड़े हरे राम जी यानी कि जो
ਉਹ ਸਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਝੁੱਲਿਓ ਵੇ ਦੱਖਣੀ ਹਵਾਵੇ ਸੁਣ ਧਰਮੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਧਰਮੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਲਾ ਮੇਰਿਆ ਜੋ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਜ ਨਾ ਰਚਾਵੀਂ ਧੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਧਨ ਹੋਵੇ ਬਾਬਲ ਮੇਰੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਥੋੜੇ ਧੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਧਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਕਾਜ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਧੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਧਨ ਹੋਵੇ ਬਾਬਲ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਦਾਨ ਸਾਲੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਮੇਰਾ ਰੋਂਦੀ ਦਾ ਭਿੱਜਿਆ ਰੁਮਾਲ ਸਾਲੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁਪੱਟਾ ਜੋ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੋਂਦੀ ਦਾ ਚਾਚੀ ਮੇਰੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਧੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਧਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਾਜ ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਧੀ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਧਨ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਧੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਚਾਚਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਦਾਨ ਜੋ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਲੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਮੇਰਾ ਰੋਂਦੀ ਦਾ ਭਿੱਜਿਆ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੱਜਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੁਮਾਲ ਹੈ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਮੇ ਮੇਰੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਧੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਧਨ ਹੋਵੇ ਮਾਮਾ ਪਾਨਜ ਦੇ ਕਰਦਾ ਦਾਨ ਮਾਮਾ ਪਾਨਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੈਣ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਲੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਮੇਰਾ ਰੋਂਦੀ ਦਾ ਭਿੱਜਿਆ ਰੁਮਾਲ ਪੱਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਮਾਮੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਕਾਜ ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਪੰਜ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਸਾਲੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਦਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਰੋਂਦੀ ਦਾ ਭਿੱਜਿਆ ਰੁਮਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਉਹ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ